नमस्कार, मैं महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते आज के मुख्य खबरों पर। आने वाली लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ाने के लिए कल शाम काजल पेट्रोल पंप के पास रिजेंसी हॉल में आरपीआई, रासपा, शिवसेना, बीजेपी गठबंधन की महाविजय संकल्प मेलावे का आयोजन किया गया, जिसमें पालक मंत्री एकनाथ शिंदे व रविंद्र चौहान ने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तानचे एकमेव हिंदू सम्राट असे हे मेळावे लागोपाठ या कल्याण लोकसभेमध्ये सुरू आहेत। आणि सकाळपासूनच जिथे जिथे मेळावे होते तिथे तिथे शिवसेना, भाजपा, आरपीआय, महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकारी मोठ्या उत्साहामध्ये सहभागी झालेले आहेत। एक वेगळा माहोल जो आहे तो या मतदारसंघामध्ये आहे, एक वेगळा उत्साह या मतदारसंघामध्ये आहे। आणि या उल्हासनगरमध्ये तर सगळ्यात जास्त वेगळा उत्साह प्रत्येक इलेक्शनच्या वेळी असतो, तो उत्साह जो 2014 मध्ये आम्ही अनुभवला त्याच्यापेक्षा जास्त उत्साह जो आहे तो 2019 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। या उल्हासनगरचं बोलायला गेलं की जेव्हा युती झाली तेव्हा या उल्हासनगरच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वात जास्त आनंद जर कुणाला झाला असेल तर या उल्हासनगरच्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना झाला। कल्याण लोकसभा मतदारसंघ में उन्होंने 5 सालों में कलवा से लेकर अमरनाथ तक सभी इलाकों में, सभी एरिया में विकास के काम राज्य और केंद्र के माध्यम से किए हैं। उनके कामों की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि वो अगर हम बताते जाएंगे तो पूरी रात इसमें निकल जाएगी। मैं आप सभी को ये विनंती करने आया हूँ कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मतदान आपको किस लिए करना है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल देश की सेवा की है, देश का नाम सिर्फ पूरे जगत में बड़ा हो इसके लिए उन्होंने जो किया हुआ काम है ये आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने किए हुए काम के माध्यम से आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार पंतप्रधान बनाने का एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ये माहौल कल्याण लोकसभा मतदार संघ में भी है। 2014 में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो गली का हर बच्चा हो, हर महिला हो, हर पुरुष के हर लोगों के मुंह में एक ही नारा हुआ करता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। संसद की उस सीढ़ियों तक जब पहुंचे तब उन्होंने संसद की उस सीढ़ियों पर नतमस्तक होते हुए ये कहा, मैं देश का प्रधानमंत्री बन तो गया लेकिन मैं 5 सालों में लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा और लोगों का जनसेवक बन के मेरी पूरी की पूरी 5 साल काम करूंगा। और 5 सालों में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लोगों का जनसेवक बन के काम किया है। छोटी छोटी योजनाएं कि जो लोगों को और गरीबों को लाभदायक होने वाली है ऐसी हर योजना के लिए उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी जी को मतदान है ये आप सभी लोगों ने ध्यान में रखना है। भविष्यवाण को मतदान यानी कि उद्धव जी ठाकरे साहब को मतदान है, नरेंद्र मोदी जी को मतदान है, धनुष्यवान को मतदान, ये विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मतदान है, धनुष्यवान को मतदान, खासदार यहाँ के लोकल आरिले खासदार यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को मतदान है और धनुष्यवान को मतदान यानी देश को मतदान है। भूमिका अपनी निभा देते हैं लेकिन उन्होंने कहा है अभी हमारी युति हो गई है, हमारी युति हो गई है, हमारी दोस्ती देखो, आप लोगों ने हमारी मित्रता भी देखने की कोशिश करो। और कल गांधीनगर में अमित भाई शाह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के है उनका जो नॉमिनेशन जो फॉर्म था
जो जो भरना था वहाँ खुद उद्धव ठाकरे साहब खुद गए थे, ये हमारी युति है, ये हमारी मित्रता है, ये युति 25 साल पुरानी है, अभी नई युति नहीं है। और इसलिए बीच में जो भी हुआ हम मनमुटाव भूल कर साथ में इस देश के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए हम लोग युति में काम कर रहे हैं। वही कल तक टीओके अपना समर्थन किसको देगी यह साफ नहीं हो पा रहा था, लेकिन रविंद्र चौहान से बात हो जाने पर टीओके ने अपना समर्थन सेना बीजेपी को ही देने वाली है यह स्पष्ट किया है। ऐसा कहना है रविंद्र चौहान जी का, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। कलानी सी पूर्णच्या पूर्ण साई पक्षाची सगळीच्या सगळी मंडळी ही भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे उमेदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या बरोबरच आहेत। टीम ओमी कलानी त्यांची व्यापारी संघटना यांची उद्या दुपारी 5 वाजता या उल्हासनगरमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याची बैठक आहे। या सगळ्याच्या सगळ्या टीम ओमी कलानीची पूर्णच्या पूर्ण टीम जी आहे ती उद्या संध्याकाळी 4 वाजता त्यांची भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच्या सगळे नगरसेवक, टीम ओमी कलानीची सर्वच्या सर्व टीम, साई पक्षाची सर्वच्या सर्व टीम ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या बरोबर आहे। आणि इथे असणारं मतदान हे 1.5 लाख जेवढं मतदान होईल त्या 1.5 लाखापैकी 80% मतदान हे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांना होईल यात काही शंका नाही। उल्हास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।